गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, तो जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया ही है, लाइटिंग की प्रॉब्लम। आई डोंट नो। तो जैसे मैं आपको, या बेटर, मैंने दिखाया है कैसे हमारे क्रिसमस में जहाँ स्टोर्स सब मॉल सजे हुए हैं और रेडी दिखा चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम अपने घर के इनसाइड के साथ साथ बाहर भी कैसे डेकोरेट करते हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी क्रिएटिविटी मेरी बेटी ने की है, मैं दोनों नहीं की, लेकिन फिर भी उसने जैसे सजाया है मेरे घर को, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हमने डेकोरेट किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। आज वैसे हमारा संडे डे है, थोड़ा अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो फिर वो आके थोड़ा सेटअप करेगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें, तो मैं आपको और नई नई वीडियो दिखाऊँ। तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ, वो आपने सब्सक्राइब किया है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वन में, तब तक बाय बाय। It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. तो गाइज़, आपने स्नीक पीक देख लिया है कितना अच्छा मेरी डॉटर ने डेकोरेट किया है मेरा घर, और पूरी बहुत मेहनत लगी थी, मैंने थोड़ी हेल्प की थी उसकी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन निकालने में डिब्बे वगैरह में हम सब रख देते हैं संभाल के, ऐसे नहीं मैं एवरी टाइम और नए नए ख़रीदती हूँ सारे, जो ये सेंटा क्लॉज जो भी बने हुए हैं, तो हम वही एवरी ईयर यूज़ कर लेते हैं और सेव करते हैं, और फिर डिब्बों में निकाल कर वही मेरी बेटी उनको पूरा अच्छे से सजा देती है। तो मैं थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए हैं ऐसे, जैसे इस साल कुछ और ले लिया, उस साल कई बारी कुछ और ले लिया, ऐसे ऐसे लेकर ही मैंने सब ये जो मिनियंस वगैरह हैं मैंने इकट्ठे किए हैं। वॉल्फ वगैरह जो लगा, देखिए वो कैसे लगी हुई है, पूरी मेहनत से, ये बहुत बहुत इसकी हॉबी है ऐसे सारे काम करना, मतलब बहुत काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि आज करें, मैं ही बोल कि अभी एक मंथ रहने लगेगा, दिसंबर में कर देना, इतनी जल्दी क्या, लेकिन फिर भी उसने कर दिया एक वीक पहले ही क्रिसमस के। तो पूरा लगी हुई है, देखिए गाइस, मिनियन है छोटा सा, जहाँ पे मैं चिलिंग टाइम नाइट सूट में थोड़ा अपने उसकी वीडियो बना रही थी, तो मैं भी चिल कर रही थी, तो अपना तेल मालिश वगैरह करनी है कोकोनट ऑयल से, तो मेरा बेटा मेरे साथ गाने गा रहा है, स्पेनिश सॉन्ग्स सिखा रहा था मुझे। तो अब देखिएगा गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है जो हमारा ये बड़ा सेंटा क्लॉज है। तो जब ये दिसंबर शुरू हो जाएगा तो इसमें यो पड़ा फड़ा हुआ, इसने पकड़ा हुआ है बोलते हैं,
वो उसमें सारे नंबरिंग आने शुरू हो जाएंगे मंथ के डेज, जैसे 24 डेज रह गए, 23, ये पूरा मंथ चलेगा। देखिए छोटे छोटे, और ये पूरा घर कितना अच्छा लग रहा है, पूरे आपको वेब्स वाइब्स आ रहे हैं कि ये विंटर डेज हैं, क्रिसमस के डेज हैं। तो बस अब जो चहल पहल चलती रहेगी, तो अभी थैंक्सगिविंग आ गया, ब्लैक फ्राइडे आ गया, तो क्रिसमस फाइनली, तो इसलिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। पूरा ऑल ओवर मेरे घर कितना सुंदर लग रहा है लाइटिंग के साथ। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बाय बाय। अभी भी लगी हुई है।